ये बेहद खुशी की बात है कि राजन को उसके अपने काम के लिए, खास काम के लिए, और वो काम जो है दुनिया को हंसाने का, जो चार्ली चैपलिन की जो अपनी परंपरा है, उसने जो एक लिगेसी बनाई कि दुनिया की स्थितियों पर, अपनी स्थितियों पर हंसते हुए और उन चीज़ों पर को ठेंगा दिखाते हुए जो उन्हें दबाती हैं, जो उन्हें कुचलती हैं, जो उन्हें नफरत की निगाह से देखती हैं या ये दृष्टि से देखती हैं, उन सब के पिछवाड़े लात लगाते हुए, दुनिया को हंसाते हुए, मनुष्य की बात की जा सकती है, मानवता की बात की जा सकती है, लोक की बात की जा सकती है, युद्ध के विरुद्ध खड़ा हो सकती है। तो ऐसे महान चरित्र को इसने पकड़ा, राजन ने पकड़ा, और ये इसके साथ एक आकस्मिक घटना के रूप में भी हुआ कि इसे करना कुछ था और कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन, तो इसे कहीं और जाना था, लेकिन जो एक और लोकप्रिय कलाकार के रूप में इसे होना था, लेकिन वो ना हो करके चार्ली चैपलिन जो है आकस्मिक रूप से होना पड़ा, और इसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। और इसने लगातार जो कहें तो 2000 में इसने ये काम शुरू किया, चार्ली चैपलिन का डंडा घुमाना शुरू किया, उसकी मूछें अपने ऊपर पैबस्त की, उसके कपड़े पहने, और तब से चलते चलते ये आदमी जो है 5000 पन्ने लिख चुका है, 5000 दृश्य बना चुका है, 5000 शो कर चुका है। और इतने शो तो कर क्या कहें, बड़े मुश्किल से कोई कलाकार करता है, एक चीज़ एक विषय पर टिक करके बड़ी मुश्किल से कोई कलाकार कर पाता है। तो इसके लिए इस 5000 जीवन, 5000 बार एक जीवन को जीने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों के साथ इसे ये शोध जैसी वृत्ति के लिए जिसे डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, तो ये इसके लिए गर्व की बात है और ये इसका अधिकार भी है कि इससे एक जो डॉक्टरेट की डिग्री 3-4 साल 5 साल में लोग पूरी कर लेते हैं, इसे करने में इसे एक विषय पर इतने साल लगना का 20-22 साल लगाना पड़ा, तो ये इसका अधिकार है और इसलिए मिला, ये गर्व की बात है। और ऐसी डिग्रियाँ जो है उन कलाकारों को खूब मिलनी चाहिए, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि कलाकारों को इसी तरह पहचान पर, जो अपनी कला को इतने लंबे वक्त तक मानते हैं और शोध का विषय बन जाते हैं, उन्हें मान सम्मान डिग्री मिलनी चाहिए। धन्यवाद।